हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम आ चुका है और इस मौसम में बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी जूस, शरबत ज़्यादा पीना पसंद करते हैं और वाटरमेलन का शरबत मिल जाए तो क्या बात है। वाटरमेलन खाने में भी टेस्टी होता है, लेकिन उसके साथ इसका जूस तो लाजवाब होता है। वाटरमेलन में पानी का अंदाज़ वैसे भी ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जैसे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद हो तो लाइक के बटन को भी ज़रूर दबाइए और साथ में मेरे वीडियोज़ दूसरे ग्रुप में भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और मेरा वीडियो आप एंड तक देखिए, बिल्कुल भी इसे स्किप ना करें। वाटरमेलन शरबत बनाने के लिए मैंने एक वाटरमेलन लिया है। वाटरमेलन हमें देखकर लेना चाहिए और उसे बजा कर देखना चाहिए, जैसे उसमें पानी का अंदाज़ ज़्यादा हो। वाटरमेलन शरबत बनाने के लिए मैंने इसे पीसेस में काट दिया है। इसके छोटे छोटे पीसेस हमें एक प्लेट में करके रखने हैं। अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं, आपको जितना शरबत या जितना जूस बनाने का हो उतना आप वाटरमेलन के पीसेस ले सकते हैं। मैंने इसमें दो तीन ही लिए हैं पीसेस। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने इसे एक इसे हमें इन पीसेस को हमें ग्राइंडर जार में डालने का है। आप अपने हिसाब से इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं, काला नमक हो जिससे इसका स्वाद और बढ़ेगा। हम वाटरमेलन का शरबत बना रहे हैं तो इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सिंपल नमक और चीनी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। नहीं तो शरबत हो रोज़ एसेंस वाला तो आप वो भी डाल सकते हैं, जिससे इसके पीने का मज़ा और भी ज़्यादा आएगा। इसमें आप बर्फ़ के पीसेस भी डाल सकते हैं। मैंने दो चम्मच इसमें चीनी भी ऐड की है, आप भी अपने हिसाब से चीनी ऐड करें। आप इसमें रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं, बर्फ़ भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको ठंडा पीने का हो उतना ज़्यादा डालिए। मैंने इसमें दो चम्मच डाले हैं रोज़ एसेंस के, आप शरबत के, आप चाहें तो ज़्यादा भी मीठा बना सकते हैं और ज़्यादा डालकर। जीरा पाउडर भी आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी आप डालें और इसे ग्राइंडर जार में हमें पीसना है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से इसका शरबत बन जाए, जूस बन जाए, तभी हम इसे एक खाली बर्तन में या आप चाहें तो ग्लास में भी डायरेक्ट छान कर सकते हैं, जिससे इसके बीज और ये सब निकल आएंगे और ये पीने में इतना ही मज़ेदार होता है कि आप दूसरे शरबत से ज़्यादा वाटरमेलन का शरबत पीना पसंद करेंगे। छानने से इसके सारे बीज और जो भी मोटा पीस होए वो भी बाहर निकल आएगा और ये शरबत हमें पीने में
बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप अपने घर में इजीली ये बना सकते हैं, अपने बच्चों को और मेहमानों को ये पिलाकर आप उन्हें बहुत ज़्यादा खुश कर सकते हैं। ये बहुत ही चीप कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल सस्ता पड़ेगा। आप अपने हिसाब से इस तरबूज से जितने भी गिलास चाहें तो बना सकते हैं। इसमें आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा खट्टा मीठा पसंद हो तो लेमन ऐड कीजिए। और बीज भी डाल सकते हैं, सब्ज़ी के बीज आसानी से हमें बाज़ार में मिल जाते हैं। उन्हें आधे घंटे के लिए भिगा कर रखना है और इसमें फिर हम वह सब्ज़ी के बीज डालकर इसका आनंद ज़्यादा ले सकते हैं। जितना ये देखने में सुंदर है उतना ही ये पीने में भी टेस्टी है। आप भी अपने घर में बनाइए। अगर आपको कोई और जूस या और कोई रेसिपी पसंद हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं वह बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।